हमको अंतिम उर्वरक अपने गेहूं की फसल में कौन सी देनी चाहिए और कौन सी बेटर रहेगी, क्योंकि वैसे तो बहुत सी उर्वरकें हैं जिनको किसान भाई अपने फसल में डालते रहते हैं, लेकिन जब बात आते हैं कि अंतिम उर्वरक की, तो हमको अपने गेहूं की फसल में अंतिम उर्वरक के रूप में कौन सी उर्वरक को डालना सबसे सही रहेगा। भाइयों की जो यूरिया है, यूरिया का काम तो वैसे गेहूँ की फसल में 60 दिन के अंदर अंदर ही रहता है, उसके बाद हमको नहीं डालना चाहिए, और यदि हमारे पौधे को आवश्यकता भी बाद में होती है तो हम उसका स्प्रे करके दे सकते हैं, वो भी बालियां निकलने के पहले पहले, लेकिन बालियां निकलने के बाद में हमको उसको नहीं देना चाहिए। लेकिन बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि इस टाइम पर बालियां निकलने के बाद भी यूरिया जैसी उर्वरकों को डाल देते हैं, जिससे उनको नुकसान हो जाता है। तो बात आती है कि अंतिम उर्वरक कौन सी डालें, तो अंतिम उर्वरक के रूप में किसान भाइयों दो उर्वरकें जो हैं हम चयन कर सकते हैं, हम उनका यूज कर सकते हैं। दो उर्वरकों में से एक उर्वरक है जो 05234 है और दूसरी उर्वरक 0050 है। अब आप गेहूँ में जो अंतिम उर्वरक है उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए अपने फसल में डालना चाहिए। अब कारण क्या होता है कि बहुत से किसान भाई ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर फास्फोरस की मात्रा मिट्टी में काफ़ी अधिक होती है। अब जब आपके क्षेत्र में फास्फोरस की अधिक मात्रा मिट्टी की है, तब आप अंतिम उर्वरक के रूप में 05234 तो देंगे नहीं, क्योंकि वैसे ही मिट्टी में अधिक मात्रा है। लेकिन बहुत से किसान भाई ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर मिट्टी में फास्फोरस और पोटास दोनों तत्वों की कमी हो जाती है, लास्ट में जब बालियाँ निकलती हैं उस टाइम तक लगभग दोनों तत्व समाप्त हो जाते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए तैयार किया गया है जो 05234 है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा तो समझ में आ गया होगा किन किसान भाइयों को अंतिम उर्वरक के रूप में 05234 देना चाहिए और किन किसान भाइयों को 0050 देना चाहिए। यदि सवाल करें कि हम 05234 या 0050 को हम लास्ट स्टेज किस टाइम तक अपने गेहूं की फसल में दें जिससे हमें बढ़िया फ़ायदा मिले, अब कुछ किसान भाई करते क्या हैं कि जब बालियां निकल आती हैं थोड़ा उसमें पीलापन भी आना चालू हो जाता है या दाने का भराव हो जाता है, उसके बाद 0050 का स्प्रे कर देते हैं या उस टाइम पर स्प्रे करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सीधे आपको समझ जाना चाहिए कि जब बाली में दाने का भराव अच्छे ढंग से हो जाता है तो उस समय यदि आप 0050 या 05234 या किसी भी उर्वरक को यदि आप इस टाइम पर देंगे तो इस टाइम पर पौधे को यानी बालियां या दाने को क्या फ़ायदा मिलेगा, कोई तो फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब ये सब प्रोसेस पूरी हो जाती है, दाने का भराव भी हो गया, ये सभी चीज़ें हो गई, तो उसके बाद यदि हम ऐसी उर्वरकों को अपने खेत में स्प्रे भी करते हैं तो उससे कोई बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं, क्योंकि जो दाने के भराव के समय सबसे अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती वो तो आपने बहुत लेट दी, जब दाने का भराव हो चुका। अब दाने का भराव हो चुका उसके बाद क्या होगा, दाने जब दुग्धावस्था से पकने की अवस्था में जाएंगे तो वो तो कमज़ोर होते चले जाएंगे, सिकुड़ते चले जाएंगे, और उस समय यदि आप इन उर्वरकों को दे भी देते हैं तो इसका रिजल्ट कुछ उल्टा आएगा। उल्टा का मतलब सीधे हम ये कह सकते हैं कि यानी आपकी तो फसल पकने के लिए तैयार है, तो उस टाइम जब आप इनको देंगे तो पौधे में जो बाली पहले से लगी है और पकने की अवस्था में चली गई, उस समय जब आप स्प्रे कर देंगे तो पोषक तत्व जो आपने स्प्रे किया है जैसे फास्फोरस या पोटास जैसी उर्वरकों का स्प्रे कर दिया है, तो वो सीधे अब बीज को तो नहीं मिलेगा, उसका असर बीज पे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो ऊपर ही उसकी लेयर एक जमा हो जाएगी, और ये जो ऊपर लेयर जमा हो जाएगी ये धीरे धीरे क्या करेगी, जो आपके बाली है उसको भी नुकसान पहुंचाएगी। दाने होते हैं, दाने के ऊपर क्या करेगा कि वो अपना एक निशान छोड़ देगा यानी धब्बा छोड़ देगा, तो यहाँ पर जो अंतिम उर्वरक हम लास्ट में देंगे तो वो तो फायदे की जगह हमको नुकसान करेगी, यानी एक तरफ हमारा पैसा भी गया और दूसरी तरफ जो क्वालिटी है वो भी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर हमें अंतिम उर्वरक को किस टाइम तक डाल लेना चाहिए। सबसे अच्छा समय है कि जब गबोड अवस्था में है, बाली निकलने की अवस्था या बाली निकल रही है, फूल की अवस्था तक यदि आपका गेहूं आ जाता है तो फूल की अवस्था होने के पहले, क्योंकि जब सीधे पहले बाली निकलती है तो आपने देखा होगा कि उसमें फूल नहीं होता है, बाली जब निकल जाती है तो बाली निकल जाने के कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि उसमें फूल बनता है, तो उस टाइम पर आपको किसी भी उर्वरक को, किसी भी कीटनाशक को, किसी भी दवा को आपको नहीं देना है। जो कुछ आपको देना है और अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप फूल निकलने की अवस्था के पहले पहले आप स्प्रे कर सकते हैं, जो अंतिम उर्वरक है वो भी आप पहले स्प्रे कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि जो हम 05234 है उसका स्प्रे करें या 0050 का। तो मैंने दोस्तों वीडियो के बीच में भी बताया था कि 05234 आपको उन परिस्थितियों में स्प्रे करना है यदि आपको लगता है कि हमारे खेत में फास्फोरस और पोटास दोनों तत्वों की कमी देखने को मिल रही है, तब आपके लिए सबसे बेटर जो लास्ट में उर्वरक अंतिम उर्वरक देना रहेगा वो 05234 रहेगा। लेकिन यदि आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके खेत में पोटास के अतिरिक्त और किसी तत्वों की कमी है तो केवल आप 0050 का ही स्प्रे करें। नहीं तो आप यदि 05234 का भी स्प्रे कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई नुकसान होगा, लेकिन बात आती है कि अंतिम उर्वरक जो आपके पौधे को वास्तव में ज़रूरी है आप उसी को स्प्रे करें। बाकी 0050 से हमें बेटर लगता है कि आप 05234 का स्प्रे कर दें, क्योंकि ये पहचान पाना लास्ट में काफ़ी मुश्किल होता है कि पोटास और फास्फोरस दोनों तत्वों की कमी है या केवल हमको पोटास देना चाहिए। तो बेटर रहेगा कि आप 05234 का स्प्रे कर दें, क्योंकि 05234 में 52% फास्फोरस होती है और 34% पोटास होती है, जबकि 0050 में जो है 50% पोटास होती है, फास्फोरस नहीं होती। स्प्रे करते हैं, स्प्रे में डोज में भी अंतर होता है। अब डोज में क्या अंतर होता है, यदि हम 05234 का स्प्रे करेंगे तो 1 किलोग्राम से 1 किलो 500 ग्राम तक हम अपने खेत में स्प्रे कर देंगे, और जिससे जो है जो 0050 से उसके लगभग बराबर या 2-4% का अंतर होगा, लगभग बराबर हमारे खेत में पोटास भी मिल जाती है और फास्फोरस की भी पूर्ति हो जाती है। लेकिन यदि हम 0050 का स्प्रे करते हैं तो मात्र 1 किलो ही हमको 1 एकड़ में गेहूं की फसल में स्प्रे करना रहता है, जो 50% की पूर्ति कर देता है। और उसके साथ जो हम दूसरी अन्य पोषक तत्व मिलाते हैं तो उनको हम मिला सकते हैं, जैसे बोरान जैसी चीज़ें तो हम मिला सकते हैं। तो वो चाहे 05234 आप स्प्रे कर रहे हो या 0050 स्प्रे कर रहे हो, दोनों में ही तो आप आसानी से बोरान को मिला सकते हैं। लेकिन अब बोरान को यदि आप समझें कि बोरान को ही हम अंतिम उर्वरक के रूप में स्प्रे करें तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत होगा, क्योंकि बोरान यदि केवल आप स्प्रे करते हैं तो उसका फ़ायदा मिलेगा लेकिन इतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा। जिसके पीछे कारण क्या रहता है कि बोरान का मुख्य काम क्या है कि परागण की क्रिया को अच्छे से करना और जो पोषक तत्व हैं उनको आसानी से पूरे पौधे तक, जहाँ पर आवश्यकता सबसे अधिक होती है वहाँ तक आसानी से पहुँचाने का रहता है। लेकिन यदि हम 05234 या 0050 जैसे उर्वरकों का स्प्रे ही नहीं करेंगे और केवल बोरान स्प्रे कर देंगे तो जो इन पोषक तत्वों की कमी होगी, अब बोरान क्या करेगा, बोरान तो वो सक्रिय कर हो जाएगा और उसमें जो है पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए कार्य करेगा, लेकिन जब वो चीज़ें होंगी नहीं पौधे में या मिट्टी में तो आपके पौधे को मिलेंगी कहाँ। तो बोरान जो दाने की मोटाई बढ़ाने में, दाने की चमक बढ़ाने में और पोषक तत्वों को और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अच्छे से करने में सहायता तो करता है, लेकिन ये चीज़ें आपके पौधे में पहले से उपलब्ध तो हों तभी तो अच्छे से हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किसान दोस्तों कि आपको अंतिम उर्वरक के रूप में कौन सा उर्वरक देना सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि आपके सवाल और भी हैं गेहूँ की फसल को लेकर के तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ही जल्दी से जानकारी आपको अवश्य देंगे। धन्यवाद।